तो भाई आज के इस वीडियो में आपको पठान 2 से रिलेटेड अपडेट करने वाला हूँ। और भाई वो अपडेट क्या होगी, वो भाई होगी रिलेटेड टू विलन, कि भाई विलन का क्या सीन चल रहा है, क्या विलन कौन होने वाला है इस बार, तो यही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो भाई देखो पठान 2 से रिलेटेड तो ये मेरे चैनल पर पहला वीडियो होने वाला है। मैंने पठान 2 के ऊपर वीडियो बनाई नहीं, एक बार बनाई भी थी लेकिन भाई उसे पोस्ट नहीं कर पाया टेक्निकल रीजन की वजह से, तो भाई उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। तो आज फाइनली मेरे को ऐसा टाइम मिल गया कि भाई पठान 2 के ऊपर वीडियो बनाते हैं। तो आज विलन से रिलेटेड अपडेट करूंगा आपको कि भाई विलन का क्या सीन चल रहा है, कौन होने वाला है। देखिए भाई ये तो हम लोगों से नहीं छुपा हुआ है कि जब पठान रिलीज हुई थी तो उस टाइम जब हेटर्स थे ना, वो भाई इस रीजन से मूवी देखने जा रहे थे कि भाई हम तो जॉन अब्राहम का कैरेक्टर देखने जा रहे हैं, उनकी एक्टिंग को देखने जा रहे हैं भाई। क्योंकि भाई देखो मैं अपना पर्सनली अगर ओपिनियन दूँ तो भाई मेरे को जॉन का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा हेट कर रहा था, क्योंकि भाई जो उन्होंने एक्टिंग करी थी और जिनका कैरेक्टर बनाया गया था सिद्धार्थ ने बनाया था, वो भी एक एवरेज स्टोरी के साथ भाई कमाल था। और आज तक अगर मैं जिम का थीम सुन लेता हूँ जो कि उनका बैकग्राउंड म्यूजिक है, तो भाई मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो स्विमिंग पूल वाला है ना जब दीपिका पादुकोण निकल रही थी, वो भाई एकदम पूरा नॉस्टैल्जिया सा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, तो भाई ये तो बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि भाई उस टाइम पठान के टाइम पे जॉन का एक्टर किसको अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो भाई देखो एक सिनेरियो है आज के टाइम में कि अगर आपको अपनी मूवी 1200-1300 करोड़ करानी है, 1500 करोड़ करानी है, वो भी एक अच्छी स्क्रिप्ट के साथ, एकदम तगड़ी स्क्रिप्ट के साथ, एक्शन के साथ, एकदम मसालेदार, एक अच्छे डायरेक्टर के साथ, तो भाई आपको एक बॉलीवुड कैरेक्टर एक साउथ कैरेक्टर लेना पड़ेगा। क्योंकि भाई देखो ओवरसीज से भी आया था कलेक्शन, हिंदी सिनेमा से भी आया था, लेकिन भाई कहीं ना कहीं जाके तमिल इंडस्ट्री से और तेलुगु लैंग्वेज से यहाँ से थोड़ा भाई हिल जाता है, ऊपर नीचे चलता रहता है। जिसका भाई सीधा सा एग्जाम्पल हमारे पास है वॉल्टो, जिसमें कि हिंदी सिनेमा से हमारे ऋतिक रोशन और साउथ से है भाई हमारे कौन, जूनियर NTR। तो भाई मूवी वो क्या लेवल होने वाली है, उसकी स्क्रिप्ट तो सबको ही मालूम है भाई, तगड़ी होने वाली है। और उसका डायरेक्टर अयान मुखर्जी भाई, उसके बारे में तो बात ही नहीं करना। अभी हम बात करते हैं पठान 2 के ऊपर। तो ऐसा कुछ है आज के टाइम में, अगर एक अच्छी स्क्रिप्ट है, अच्छा डायरेक्टर है और एक्ट्रेस भी खूब अच्छे हैं, तो भाई मूवी वो 1500-1300 करोड़ कर जाएगी। लेकिन ओवरसीज से तो थोड़ा आ जाता है, हिंदी सिनेमा से भी आता है, लेकिन साउथ से थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। तो भाई ये पठान 2 की अगर बात करें तो भाई शाहरुख खान की जो फैन फॉलोइंग है वो ओवरसीज में बहुत ज़्यादा है, ये हम सबको ही पता है, ठीक है। हिंदी सिनेमा वो पूरा संभाल सकते हैं, लेकिन हमें अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो वो भाई साउथ लैंग्वेज की पड़ती है, ठीक है। तो अभी की जो रिपोर्ट्स है, अभी की जो अपडेट्स है, उसके अकॉर्डिंग वायर है अपना, मतलब कि साउथ से किसी को कास्ट करने वाला है एज अ विलन के रोल पे। ये बात तो बिल्कुल कन्फर्म है, विलन के रोल पे, ठीक है। ये बात बिल्कुल निकाल देना अपने दिमाग से कि किसी और रोल के लिए नहीं, विलन के लिए साउथ से किसी को लाने वाले हैं वायर है, ऐसी बिल्कुल अपडेट्स है। और ऐसा कहा गया है रिपोर्ट में कि भाई हिस्ट्री में ये एक मतलब अलग ही लेवल की कास्टिंग होगी, विलन को लेकर एक तगड़ा विलन लाने वाला है। अब भाई वो विलन कोने कौन वाला है ऐसी कोई अपडेट नहीं है भाई, किसी का नाम भी सामने नहीं आया। एक रूमर्स को लेकर भी कहते हैं ना नाम सामने आ जाए, ऐसा भी कुछ नहीं है। बस भाई अपने माइंड में इतना रख लो कि भाई साउथ से कोई विलन आने वाला है पठान 2 में, ठीक है। और जैसे कि भाई अभी हम सबको पता है कि अप्रैल के एंड से इसका प्री प्रोडक्शन का काम स्टार्ट हो गया और नवंबर 2024 में इसका जो भी प्री प्रोडक्शन काम है वो एंड हो जाएगा और फिर SRK की शूटिंग ज्वाइन करेंगे, ठीक है, पठान 2। तो भाई ये पठान 2 जो नाम है ना, यही एक अपने में ना एक ब्रांड है, तो इस ब्रांड का भाई हम लोगों को पूरा सम्मान करना है। जैसे हमने पठान का स्वागत करा था, वैसे ही हम पठान 2 का भी स्वागत करेंगे 2026 में। तो भाई तैयार रहो यार, पठान 2 को लेकर भी मैं बहुत सारी अपडेट्स आपको देने वाला हूँ। तो भाई यार अपडेट अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, एंड और इसी वीडियो से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।